ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम टिश्यू के अंदर संयोजी ऊतक में सेकंड यानी वास्तविक संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संयोजी ऊतक क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो, संयोजी ऊतक में हमने पहला पढ़ लिया था जिसका नाम था पहला तरल अथवा संवहनीय संयोजी ऊतक, और अब आता है वास्तविक संयोजी ऊतक। तो वास्तविक संयोजी ऊतक में क्या होता है, ये ऊतकों में क्या करता है, अंतर कोशिकीय पदार्थ इसके अंदर भरा होता है। जो आज हम सेकंड पढ़ेंगे वास्तविक संयोजी ऊतक, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अंतर कोशिकीय पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है, अंतर कोशिकीय पदार्थ। तो हम इसमें लिख सकते हैं, एक तो होता है इसके अंदर अंतर कोशिकीय पदार्थ भरा होता है, अंतर कोशिकीय पदार्थ। और जब किसी भी उसके अंदर किसी भी संयोजी ऊतक के अंदर अंतर कोशिकीय पदार्थ भरा होता है तो उस पदार्थ को अपन दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स क्या करता है, इस मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स में ये पदार्थ जो होता है ना, ये मैट्रिक्स जो होता है ये रेशेदार होता है। क्या होता है, रेशेदार। ये मैट्रिक्स क्या होता है, रेशेदार होता है। इसमें लिख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, रेशेदार होता है, ठीक है। इस मैट्रिक्स के बारे में क्या है, रेशेदार। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि इसमें ग्लाइकोप्रोटीन, और मैंने आपको ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पढ़ाया था आपके ध्यान हो तो, आरबीसी के अंदर पढ़ाया था। तो इसके अंदर एक तो है ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लोबुलिन प्रोटीन कहाँ होता है, नहीं, मैंने आपको आरबीसी के अंदर, सीबीसी के अंदर या फिर डब्ल्यूबीसी के अंदर नहीं पढ़ाया था। कल मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने जो पढ़ा रहा था ना कल, वो पढ़ा रहा था मैं आपको ये अपने एंटीजन और एंटीबॉडी के अंदर। एंटीजन के अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और एंटीबॉडी के अंदर ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। बताओ, बताया था कि नहीं बताया था मैंने। तो एक तो आ गया इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद ग्लाइको एमिनो ग्लाइकेंस, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, ग्लाइको एमिनो, ग्लाइको के साथ एक और जुड़ गया एमिनो, दो आ गए ग्लाइको एमिनो और ग्लाइकेंस, ठीक है। ग्लाइकेंस तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं, इस वास्तविक संयोजी ऊतक के अंदर पाए जाते हैं। तो इन तीनों को आप लिख सकते हैं, सबसे पहला अंतर कोशिकीय पदार्थ, इसके अंदर एक जो अंतर कोशिकीय पदार्थ होता है ना इसमें, इस संयोजी ऊतक में, उसे मैट्रिक्स कहते हैं, और ये मैट्रिक्स क्या है, रेशेदार होते हैं। इन रेशेदार पदार्थों के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको एमिनो और ग्लाइकेंस, इन तंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तंतु भी उपस्थित होते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट करके पढ़ेंगे, ये चार कितने प्रकार के थे, ये चार प्रकार के। तो उन चारों प्रकारों का हम विवरण देख लेते हैं, ये कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के। देखो चारों प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर हम जालवत संयोजी ऊतक। पहला क्या है, पहला है इसके अंदर जालवत संयोजी ऊतक, जालवत संयोजी ऊतक। दूसरा क्या है, दूसरा है रंजकीय संयोजी ऊतक। दूसरा क्या है, संयोजी ऊतक। और तीसरा क्या है, शिथिल संयोजी ऊतक। और चौथा है आपका सघन,
मतलब गहरा, सघन, संयोजी, ओतक। याद आता है चौथा, शिथिल, संयोजी, ओतक। ये क्या है बताओ? ये है तीसरा। कितने आ गए इसके अंदर? चार आ गए। रो रो के मत बताओ, चार। कितने आ गए? चार आ गए। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि जालवत संयोजी ऊतक के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहला आपको पॉइंट लिखना है, जालवत संयोजी ऊतक की कोशिकाओं के मध्य कोशिका द्रव्य में कई विशिष्ट प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो इनकी जालीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। इस तरह के ऊतक प्लीहा, यकृत और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप इसके अंदर? देखो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले ये पाए जाते हैं प्लीहा में। कहाँ पाए जाते हैं? प्लीहा। और दूसरा कहाँ पाए जाते हैं? अस्थि मज्जा में। और तीसरा, प्लीहा, अस्थि मज्जा और बताओ कहाँ पाए जाते हैं? पहला पॉइंट, प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का या डब्ल्यूबीसी का? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, मैंने बताया था ना आपको। और अस्थि मज्जा का निर्माण कहाँ, अस्थि मज्जा में किस किस का निर्माण होता है? आरबीसी का और प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? हैं भैया, आप पढ़ना शुरू कर दो। मैंने आपको बताया था डब्ल्यूबीसी के अंदर, डब्ल्यूबीसी का निर्माण तो लीवर में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, जबकि प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, डब्ल्यूबीसी का नहीं होता है। इसमें डब्ल्यूबीसी का तीन चीजों में होता है, लीवर में होता है और प्लिया में भी हो सकता है, यकृत में भी हो सकता है। लीवर का मतलब क्या है? यकृत ही है। आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी अलग है। तो कहने का मतलब इसका निर्माण कहाँ कहाँ पर होता है? प्लीहा में, यकृत में और अस्थि मज्जा में। तो एक तीसरा और आ जाता है, लीवर। लीवर, ठीक है। क्या आ गया इसके अंदर? और तीसरा आ गया लीवर। तो पहली मोस्ट इंपोर्टेंट बात समझ में आ गई कि पहला जो जालवत संयोजक है प्लीहा, अस्थि मज्जा, और इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और उसके बाद जालवत संयोजी ऊतक में दो दूसरी चीज क्या पाई जाती है इसके अंदर? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और जो कोशिका द्रव्य होता है ना, उसके साथ अनेक प्रकार के पदार्थ भी पाए जाते हैं जिनको कहते हैं विशिष्ट पदार्थ। क्या कहते हैं? विशिष्ट पदार्थ भी इनके अंदर पाए जाते हैं। तो दूसरी बात क्या समझ में आ गई आपको कि इसके अंदर विशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। ये विशिष्ट पदार्थ क्या करते हैं? ये जाली नुमा संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाली नुमा संरचना बनाते हैं, ठीक है। इस जाली नुमा संरचना की वजह से ही इस ऊतक को क्या कहा गया बताओ? जालवत संयोजी ऊतक। मेरी बात समझ में आ गई? तो मैं एक चित्र के माध्यम से आपको यहां पर इसको बता रहा हूं। इस चित्र के माध्यम से आपको इसको पता लगाना है, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से आपको इसको बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखना है आपको। इसमें ऐसी संरचना पाई जाती है इस तरीके से, ठीक है, पहला। फिर उसके बाद इससे कोई हो सकता है छोटा पाया जाए, फिर इससे बड़ा पाया जाए, फिर इससे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे बड़ा, इस प्रकार की। फिर उसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक भी पाया जाता है। यहाँ पर ये छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? ये केंद्रक पाए जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? केंद्रक। आप देखो इसमें जाली सी संरचना पाई जाएगी। इसको यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं जीव द्रव्य। क्या कह सकते हैं? जीव द्रव्य। ये क्या है? ये जीव द्रव्य है।
ये जीव द्रव्य भरा होता है। मैंने कहा ना पहला क्या भरा होता है इसके अंदर, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य को क्या कह सकते हैं बताओ, जीव द्रव्य भी कह सकते हैं ना, ठीक है। तो इसके अंदर एक कोशिका द्रव्य भरा होता है, इसके साथ यहाँ पर जीव द्रव्य है क्योंकि कोशिका द्रव्य तो पूरा होता है। मैंने आपको जीव द्रव्य पढ़ाया था और कोशिका द्रव्य पढ़ाया था ना, वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं। बताओ बताओ किसे कहते हैं कोशिका जीव द्रव्य? अब नहीं है ना जीव द्रव्य, दिमाग से आपके आउट है। मैंने आपको बता रखा है जीव द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म और यहां पर जो ये जीव द्रव्य दो चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। अब पीछे पेज खोलने की जरूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद मैट्रिक्स, ये इसको आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स है। अभी मैंने आपको बताया जितने भी है ना जाल और संयोजी ऊतक उसके अंदर एक मैट्रिक्स पाया जाता है, विशेष स्थान होता है जिसको हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं अधिदात्री। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं मैट्रिक्स को हिंदी में, ए धात्री। उसके बाद ये तो यहां पर है ना, ये जो पाई जा रही है ये इस तरीके से, इनको क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम कह सकते हैं जालवत तंतु। क्या कह सकते हैं इसको? जालवत तंतु। बताओ जीव द्रव्य किसे कहेंगे? आपको बताना, मुझे नहीं बताना। और आपने सुनी होगी ये रेटिकुलम कोशिकाएं। क्या है इसको? रेटिकुलम मतलब जालवत कोशिका कहते हैं, रेटिकुलम कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? अब याद आ गए, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं? तो इसके अंदर देखो केंद्रक द्रव्य है तो केंद्रक है इसके अंदर ये रहा, और ये कोशिका है, ये मतलब ये वाली कोशिका है, इसको हम जालवत कोशिका कह रहे हैं। तो ये जो इससे कई बार इससे टच भी हो जाएगी तो ये क्या एक तरीके से जालवत कोशिका होगा, ये केंद्रक होगा। तो इसके बीच में जो स्थान होगा वो क्या होगा? जीव द्रव्य। और केंद्रक के बीच में क्या होता है और केंद्रक द्रव्य क्या होता है? अंदर केंद्रक है, केंद्र के अंदर जो द्रव्य होगा वो केंद्रक द्रव्य। तो ये दोनों जो है ना कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य क्या कहलाएंगे? तो यही जीव द्रव्य यहाँ पर, इसका मतलब केंद्रक द्रव्य भी है और कोशिका द्रव्य भी है, इसका मतलब ये है। इसको हम नाभिक भी कह सकते हैं, एक इसमें नाभिक भी होता है, ठीक है। क्या होता है? एक नाभिक भी होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। जीव द्रव्य को प्लोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसमें तो ये संरचनाएं पाई जा रही है ना, ये इस तरीके की इन संरचनाओं की वजह से ही इसको ये एक जाल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार इनको हम मैट्रिक्स को, इनको जालवत तंतु को, रेटिकुलम को, जीव द्रव्य को, सबको क्या कह सकते हैं? जालवत संयोजी ऊतक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जालवत संयोजी ऊतक कह सकते हैं। क्लियर है ना ये बात आपको? उसके बाद सेकेंड नंबर आता है रंजकीय संयोजी ऊतक। क्या आता है? रंजकीय संयोजी ऊतक। तो रंजकीय संयोजी ऊतक में ध्यान से सुनना, ये संयोजी ऊतक की कोशिकाएं परस्पर संयोजित न होकर पृथक होती हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? ये कोशिकाएं क्या होती हैं? संयोजित न होकर क्या होती हैं? ने होकर क्या होती हैं? हाँ, पृथक होती हैं, ठीक है। संयोजित ने होकर क्या होती हैं बताओ? पृथक होती हैं, जिन्हें रंजक कोशिकाएं कहा जाता है। रंजक क्या कहा जाता है? जिन्हें रंजक कोशिकाएं कहा जाता है। उसके बाद ये ऊतक संरचनाओं को रंग देने का कार्य करते हैं। मैंने आपको बताया ना, जब भी रंजकीय का मतलब आएगा तो वहां पर क्या आएगा? मैंने कहा कलर का। तो ये कोशिकाएं क्या होती है बताओ? ये कोशिकाएं कलर का काम करती, कलर देने का। किसको कलर देती है? ऊतकों को रंग देने का काम करती है। किस देने, क्या काम कर, क्या देने का काम करती है? रंग देने का कार्य करती है, रंग देने का कार्य करती
है। तो दो बात आपको इसमें समझ में आ गई, क्या काम करती हैं, रंग देने का कार्य करती हैं, ठीक है। तीसरी बात, इनकी कोशिकाओं के मध्य पीले भूरे काले एवं नीले मिलेनिन वर्णक कण पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं, पीले भूरे काले नीले, पीले भूरे काले और नीले। मिले तो ये चार कलर पाए जाते हैं इसके अंदर। मैंने कहा रंग देने का काम करते हैं ये कोशिकाएं। ये ऊतक क्या करते हैं, ऊतक, सॉरी, ऊतक रंग देने का काम करते हैं। ऊतक पढ़ रहे हैं तो ऊतक की तो करेंगे, फिर कोशिकाओं के मध्य, ठीक है ना, कोशिकाओं के मध्य में। उसके बाद इसके अंदर एक मिलेनिन नाम वर्णक पाया जाता है, मिलेनिन, ये मोस्ट है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक मिलेनिन वर्णक, मतलब ये भी क्या है, कलर का ही नाम है, मिलेनिन वर्णक ये पाया जाता है इसके अंदर। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अंदर, मिलेनिन वर्णक, ठीक है। उसके बाद ये ऊतक आंख में तथा मानव त्वचा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, और मैंने आपको बताया ना, ये जालवत कहाँ पाए जाते हैं, प्लीहा में, अस्थि मज्जा में और यकृत में, जबकि ये कहाँ पाए जाते हैं, रंध्र के संयोजी ऊतक, आंख में और दूसरा त्वचा में। तो आंख में और किसमें पाए जाते हैं, प्लस त्वचा के अंदर, मानव की त्वचा, मानव की आंख, ठीक है, और जितने भी जीव हैं उनके अंदर, ठीक है। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, और इनका आप डायग्राम भी बनाना चाहें तो आप इसके अंदर बना सकते हैं। ये मान लो एक कोशिका, ये एक ऊतक हो गया एक तरीके से। इस ऊतक की बात करें तो ये कोशिकाएं संयोजित न होकर पृथक होती हैं, इस तरीके से होती हैं, पृथक अलग इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये ऊतक बीच बीच में क्या पाए जाते हैं बताओ, देखो कोई पीला, काला, नीला, काला और फिर नीला, अपने पास तीन कलर अवेलेबल हैं तो तीनों को तो अपन लगा ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद काला भी, ठीक और ये कहाँ पाए जाते हैं, आंख और त्वचा में पाए जाते हैं, ठीक है, इनको आपको नोट रखना है। और इसके अंदर लिम्फोसाइट्स, मैट्रिक्स, देखो लिम्फोसाइट्स भी पाए जाते हैं इसके अंदर। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे लिम्फोसाइट्स, इनके अंदर छोटे छोटे मैट्रिक्स के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और पिगमेंट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये रंग देने का काम करते हैं मेनली, कि क्या क्या देने का काम करते हैं, रंग, शरीर के अंगों को रंग देते हैं, जबकि ये जाल जाल बनाते हैं। जाल का मतलब क्या है, अस्थि मज्जा, यकृत और प्लीहा, आपने तीनों चीज देखी होंगी। लीवर के अंदर भी क्या होता है, आदमी का जाल होता है, एक तरीके से ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी, तभी तो अपन लीवर से अपना जो होता है अपशिष्ट पदार्थ वगैरह ये सारा इनका क्या होता है, इससे अटैच होता है, ठीक है। जबकि इसमें कलर का काम देखो, आंख से त्वचा का, आंख का या त्वचा का जो कलर होता है ना, किसके कारण होता है, रंध्र के संयोजी तक। हो सकता है क्वेश्चन का क्वेश्चन में आ जाए कि मानव का कलर जो कलर होता है, रंग होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, रंज के संयोजी तक पर। समझ में आई मेरी बात, ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। देखो थर्ड नंबर आता है शिथिल संयोजी ऊतक का, ठीक है। शिथिल संयोजी ऊतक क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो शिथिल संयोजी ऊतक को हम दूसरा नाम भी नाम से भी जानते हैं, इसको हम एरियोलर संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, एरियोलर संयोजी ऊतक भी कह सकते हैं। आपको याद रखना है, एरियोलर संयोजी ऊतक भी इसको हम कह सकते हैं। और एरियोलर संयोजी ऊतक कहने का मतलब क्या होता है, शिथिल, ये लूज होता है, क्या होता है, लूज, शिथिल का मतलब होता है लूज, ठीक है। उसके बाद आगे जाओ, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सबसे पहले त्वचा में पाया जाता है, संपूर्ण शरीर में, ठीक है, संपूर्ण शरीर में, मतलब कि कंप्लीट बॉडी में, मतलब संपूर्ण शरीर में पाया जाता है, संपूर्ण शरीर में लिख सकते हैं, संपूर्ण शरीर में पाया जाता है, प्लस ये त्वचा में पाया जाएगा, मतलब कि त्वचा संपूर्ण शरीर में आती है, त्वचा में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा बताओ, मांसपेशियों के बीच, कहाँ पाया जाएगा, मांसपेशियों के बीच पाया जाता है। और कहाँ पाया जाएगा, रक्त में पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, रक्त में, मांसपेशियों के बीच, रक्त के बीच और रक्त नलिकाओं के चारों ओर, तो लिख सकते हैं
रक्त नलिकाओं के चारों ओर, चारों ओर पाया जाएगा। रक्त नलिकाओं के चारों ओर पाया जाता है, श्वास नली में, अस्थि मज्जा में। और कहां पाया जाएगा? श्वास नली में, श्वास नली में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? श्वास नली में। और कहां पाया जाएगा? अस्थि मज्जा में। कहां पाया जाएगा? अस्थि मज्जा में भी पाया जाएगा, ठीक है, श्वास नली में, अस्थि मज्जा में। इनमें अनियमित आकार की मैक्रोफेजेज कोशिकाएं हानिकारक, मैक्रोफेजेज कोशिकाएं होती है इसमें, मैक्रोफेजेज, मैक्रोफेजेज का मतलब होता है एक तरीके से अनियमित आकार की, क्या होती है? अनियमित आकार की। तो अनियमित आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो नियंत्रक एवं मृत कोशिकाओं का क्या करती हैं? भक्षण करती हैं। ये क्या करती हैं? मृत कोशिकाओं को खा जाती हैं, इसलिए इनका मृत का मतलब क्या करती है? मृत कब होती है ये कोशिकाएं? मतलब इनका भक्षण हो जाता है। क्या जाता है? भक्षण। मतलब कि अनियमित आकार की मैक्रोफेजेज कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसका भक्षण करते हैं। जब भक्षण हम किसी चीज का कर देते हैं तो उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इसलिए इनको मृत कोशिकाएं भी कहते हैं। इसमें असीमित आकार की चपटियों बड़ी फाइब्रोसाइट्स तथा फाइब्रोब्लास्ट्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? फाइब्रोसाइट्स, फाइब्रोसाइट्स। फाइब्रोसाइट्स किसको कहते हैं और फाइब्रोब्लास्ट किसको कहते हैं? फाइब्रोब्लास्ट। इनके बीच में ये पाई जाती हैं। कौन? मैक्रोफेजेज कोशिकाएं, ठीक है। मैट्रिक्स में उपस्थित इन ऊतकों से मैट्रिक्स तथा तंतु में प्रोटीन स्त्रावित होते हैं। जो ये ऊतक है ना, इनसे क्या होते हैं? मैट्रिक्स तथा प्लस तंतु में, प्लस तंतु में क्या होते हैं बताओ? तंतु में और मैट्रिक्स दो प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन, ठीक है। दो प्रकार के प्रोटीन स्त्रावित होते हैं। इन प्रोटीनों में क्या होता है? मैट्रिक्स में उपस्थित मास्टर कोशिकाओं से हिस्टामिन, हेपेरिन, सिरोटेटिन। एक तो हिस्टामिन, एक तो क्या है? हिस्टामिन प्रोटीन, और हेपेरिन, और एक सिरोटोनिन नामक। ये तीन प्रकार के क्या पाए जाते हैं बताओ? प्रोटीन पाए जाते हैं। किसके अंदर? शिथिल संयोजी ऊतक के अंदर। ये जलन को और सूजन को और एलर्जी को इनसे राहत प्रदान करते हैं आदि इन प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो कहने का मतलब शिथिल संयोजी ऊतक को एरियोलर ऊतक भी कहते हैं। संपूर्ण शरीर में, त्वचा में, मांसपेशी के बीच, रक्त में, नलिकाओं में, रक्त नलिकाओं के चारों ओर, श्वास नली में, अस्थि मज्जा में, सब में पाए जाते हैं। ये मैक्रोफेजेज अनियमित आकार की कोशिकाएं होती हैं। ये जो पाई जाती हैं फाइब्रोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट के बीच पाई जाती हैं। जब इनका भक्षण हो जाता है तो इनको मृत कोशिकाओं के रूप में जानते हैं। और ये क्या करती हैं? मैट्रिक्स और तंतु में प्रोटीन उत्पन्न करती हैं जिनको हम हिस्टामिन, हेपेरिन और सिरोटोनिन नामक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है फोर्थ नंबर पर सघन संयोजी ऊतक। सघन का मतलब गहरा, और इनको हम घने रेशेदार संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? घने रेशेदार संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? घने रेशेदार संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक भी कहते हैं, या कहा कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, इनको घने रेशेदार संयोजी ऊतक भी कहते हैं। यह सामान्यतः फाइब्रोसाइट्स कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। इनके मैट्रिक्स में क्या होती है? संख्या किसकी ज्यादा होती है? फाइब्रोसाइट्स की संख्या ज्यादा होती है। फाइब्रोसाइट्स की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अंदर फाइब्रोसाइट्स की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैट्रिक्स सब में पाया जाता है। इसके मैट्रिक्स में जो फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट दोनों पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं फाइब्रोसाइट्स। इसमें कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखो पहला कौन सा होता है? पहला होता है स्नायु और दूसरा होता है कंड्रा। स्नायु और दूसरा होता है कंड्रा। तुमने आज नाम सुना होगा कैंट्रा, नहीं कंड्रा, ठीक है। ये दूसरा है और ये पहला है, स्नायु और दूसरा क्या है? कंड्रा।
ये श्वेत कोलेजन तंतुओं से निर्मित होता है। ये दो अस्थियों का आपस में एक दूसरे जोड़ने का काम करता है। स्नायु क्या होता है? दो अस्थियों को जोड़ता है, दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य, अस्थियों को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। ये क्या करता है? स्नायु दो अस्थियों को जोड़ता है। ये ऊतक बहुत लचीले और मजबूत होते हैं। स्नायु में तरल ऊतक अत्यंत निम्न होता है, तरल ऊतक अत्यंत निम्न होता है। उसके बाद दूसरा देखो इसमें अंदर, टंड्रा क्या होती है? मजबूत और सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं जो अस्थियों को मांसपेशी जोड़ते हैं। यह क्या करते हैं? दो अस्थियों को जोड़ते हैं, जबकि ये क्या करते हैं? अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है? मांसपेशियों, अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। तो समझ में आ गया, स्नायु क्या काम करता है? दो अस्थियों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? दो अस्थियों को। जबकि कंडरा क्या काम करता है? अस्थियों और मांसपेशी दोनों को जोड़ता है। बात आगे की नहीं आगे समझ में बताओ। स्नायु का मतलब क्या होता है? दो अस्थियों को जोड़ता है, और ये क्या करता है? अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। तो अस्थि और जो मांसपेशी जब जुड़ती हैं, अस्थि मतलब दो हड्डियां, हड्डियों को जब मांसपेशी से जोड़ेंगे तो वो क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। क्या होती हैं? मजबूत। और ये क्या होती हैं? ये क्या होती हैं बताओ? ये वाली, ये होती हैं नरम। क्या होती हैं? नरम। मतलब अगर अस्थि को अस्थि से जोड़ेंगे तो नरम होंगी, और अस्थि को मांसपेशी से जोड़ेंगे तो वो क्या होंगी? मजबूत होती हैं। तो कहने का मतलब, टंड्रा मजबूत तथा सीमित लचीलापन वाला रेशेदार ऊतक है। ये भी ऊतक दो प्रकार के हैं, स्नायु और टंड्रा ऊतक हैं। टंड्रा क्या है? मजबूत ऊतक एक तरीके से, ठीक है। जबकि जो ये है ना, ये जो है, ये ऊतक एक तरीके से कह सकते हैं कि लचीला कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं? लचीला, ठीक है। ये श्वेत कोलेजन तंतुओं से निर्मित होता है। ये बनता किससे है? श्वेत कोलेजन तंतु से, श्वेत कोलेजन तंतुओं से बनता है। तो इसको बात को भी आपको याद रखना है, श्वेत कोलेजन तंतुओं से बनता है, ठीक है। तो आज तक हमने वास्तविक संयोजी ऊतक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो तीनों, ये चारों ऊतक, जालवत संयोजी ऊतक, रंजकीय संयोजी ऊतक और सघन संयोजी ऊतक, कहने का मतलब जो चार ऊतक हैं, इसमें आपकी क्या होता है? ये कोशिका द्रव्यमान, मतलब कि क्या करता है? एक विशिष्ट पदार्थ मिलाकर प्लीहा में, अस्थि मज्जा में, लीवर में, जो शरीर के भाग है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जंतु ऊतक। और जंतु ऊतक में हम पहला पढ़ चुके हैं उपकला ऊतक, सेकंड पढ़ रहे हैं कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक पूरा मानव शरीर से रिलेटेड है। तो हमने आपको बताया कि जो ये वास्तविक संयोजी ऊतक है, पहला आप संयोजी ऊतक पढ़ चुके हैं, सॉरी पहला अपन ये समान ऊतक पढ़ चुके हैं, या फिर कहने का मतलब फ्लूड तरल ऊतक पढ़ चुके हैं। दूसरा इसमें वास्तविक संयोजी ऊतक जब हम पढ़ रहे थे तो इसके अंदर चार आ गए, जालवत, रंजकीय, शिथिल, सघन। रंजकीय क्या काम करता है? मानव शरीर के रंग और उसको रक्त के, मानव के रंग को और त्वचा के रंग को और आंख के रंग को, जो भी आपका कलर है, मतलब उसको क्या करता है? बताता है। जालवत संयोजी ऊतक में क्या होता है? लीवर के अंदर जितने भी जाल होते हैं उनको बताता है। तीसरा, शिथिल संयोजी ऊतक में क्या होता है? अस्थि मज्जा, श्वास नली जो होती है, क्योंकि शिथिल नरम चीज होती है, लूज होती है बिल्कुल, इनके बारे में बताया। और सघन संयोजी ऊतक मतलब गहरी, आपने देखा होगा 206 हड्डियां होती है मानव के शरीर के अंदर, तो उनको मतलब सघन मतलब गहरे तरीके से जांचता है। और दो जैसे अस्थियों को और मांसपेशियों को, इन दोनों को, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है, अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ता है। इसमें दो चीज काम आती है, स्नायु और कंडरा, ठीक है। आज तक इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।